आज ये रेसिपी है जी चने के चावल, आपको दिखाते हैं। ये इसमें हम डालेंगे, आपका फ्लेवर होता है, कोशिश किए करें थोड़ा सा जो ज़्यादा घी डाला करें। चावल जब बनाए ना, बहुत से मेरे दोस्त बात कहते हैं हमारे चावल बहुत ड्राई रहते हैं, उनको बोला करें जितना भी तेल डाला करें थोड़ा सा तेल एक्स्ट्रा डाला करें, क्योंकि जो चावल हैं वो भी क्या कहते हैं इसको, ऑयल को चूस लेते हैं। अच्छा, मैं आप इसमें हम प्याज को ब्राउन करेंगे, मैं दिखाता हूँ आगे आपको। ये देख रहे हैं कुछ बंदों के बहुत ज्यादा मैं जो है चावल इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये चावल है इस वक्त, आपको इसकी क्वालिटी बताऊंगा। अभी सबसे ये इधर सस्ता चावल है, ये मैंने एक्सपीरियंस के लिए लाया था, मैंने आगे बता चुका हूँ। ये मुझे पड़े हैं $9 के 2 बैग। चावल का कोई मसला नहीं होता, मेन होता है चावल सुखाने का। जब तक हमारा प्याज ब्राउन होता है फिर आपको मैं दिखाता हूँ आगे। देखें चावलों की दो चीज़ें, अगर आप बिल्कुल चावलों का डार्क ब्राउन कलर करना चाहते हैं फिर चावलों को इस तरह का सही डार्क ब्राउन करें। अगर आप चाहते हैं चावलों को कलर आपने ज़्यादा नहीं निकालना, हल्का कलर निकालना, जितना प्याज लाइट होगा उतना कलर लाइट होगा, जितना ज़्यादा प्याज आप डार्क करेंगे उतना ज़्यादा कलर भी डार्क आएगा। ये जिन्हें समझा करें, ये देखिए भाई मुझे ज़्यादा डार्क कलर के नहीं पसंद, ये मैं थोड़े से लाइट कलर के बना रहा हूँ। अब इसमें हम चने ऐड करेंगे, मेरे पास चने हैं 1 पाउंड उबले हुए चने का कैन है, 1 पाउंड इसमें हम डालेंगे चने, 1 पाउंड चने मैंने इसमें डाल दिए हैं उबले हुए। इधर पैकिंग में आते हैं, साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे जायका नमक, और इसमें हम ऐड करेंगे काली मिर्च। ये काली मिर्च आ गई हमारे पास है, एक बहुत अच्छा मिलता है शान का पुलाव मसाला, वो आप ट्राई करें वो भी बहुत अच्छा। गरम मसाला डाल दिया इसमें हमें, और वो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है चावलों के अंदर वो है जीरा। जीरा लाजमी डाला करने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। हमने इसे 2 टीस्पून जीरा डाल दिया। बस 3 ग्लास ये चावल के हैं, अब इसमें हम 4 ग्लास पानी डालेंगे। चावल को ऑलवेज जब पकाएं 30 मिनट के लिए भिगो दिया करें। 3 ग्लास चावल और 4 ग्लास पानी, ये हमने 4 ग्लास पानी ऐड कर दिया इसके अंदर, तो चावल हमने भिगो दिए, इसको बाद आने तक के लिए हम कवर कर दें। ठीक है, बस ठीक है, थोड़ी देर बाद आ गया। अब इसमें पानी को उबाला है, अब इसमें हम चावल ऐड कर देंगे। चावल डाल लेना इस मौके पे आके, आप हमेशा याद रखें कोई भी प्रोफेशनल नहीं है, आप थोड़ा सा ऐसे हाथ पे लगा के ऐसे जबरदस्त नमक अपना चेक कर लिया करें। ठीक है ना, इसको हम ऊपर से कवर करते हैं। जब उबाल आता है खाना शुरू हो गया बहुत अच्छे से। ठीक है, इसका थोड़ा सा पानी और ड्राई करके फिर इसको हम दम दे देंगे। दम मैंने बताया था सबको, फिर बता रहा हूँ, दम जब भी देते हैं हमेशा उसके ऊपर फॉइल पेपर लगाया करें। फॉइल पेपर से चावल का जो स्टीम अंदर ही रहती है उसके ऊपर से जो पानी जाता है स्टीम को, उससे चावल बहुत अच्छा खिल के आता है। ठीक है, ये पानी थोड़ा सा होने दें। ठीक है, अब यहाँ पर आकर दम दे देंगे। और एक चीज़, जब भी आप चावल पकाए ना, अगर दम के बाद थोड़े से कच्चे रह जाएँ तो इजी तरीका ही है, जो आपके पास दर्जी होती है तो भाई इसको गिला करके ऊपर आके दम दिया करें, इससे भी आपके चावल परफेक्ट बनेंगे। चलिए इसको दम देते हैं फॉइल के साथ।
दिया कवर, कवर और उसकी नीचे से बाघ देखे, बिल्कुल कैमरा बंद कर, बिल्कुल आस्था कर देंगे, ठीक है। अब इसको 20 मिनट के लिए दम दे देंगे। Tell me that you